दीपोत्सव के दिन कितनी जगमग दिखेगी अयोध्या, कहां लगाई जा रही है दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैसा है कार सेवकों में उत्साह, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूरा कार्यक्रम जान लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह अनुष्ठान से 5 दिन पहले यानी 17 जनवरी से शुरू हो जाएगा। 22 जनवरी के दिन दोपहर 12 बजे से 12:45 के बीच शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा। मृगशिरा नक्षत्र में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। बनारस के प्रकांड विद्वान लक्ष्मीकांत दीक्षित पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे, उनके साथ 120 वैदिक विद्वान भी होंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद रामलला के विग्रह को गर्भगृह तक लेकर जाएंगे। 5 फीट ऊंची मूर्ति को लेकर पीएम चलेंगे, उनके पीछे साधु संत और तमाम प्रतिष्ठित लोग होंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के विग्रह की पूजा होगी, उसके बाद उन्हें स्थायी आसन ग्रहण कराया जाएगा। अयोध्या की जीवन की जो सबसे बड़ी खुशी है, हम सबका गौरव की अस्तित्व की जो साथ जो खिलवाड़ की रही थी, आज अस्तित्व हम सबके सामने समझ में आ रहा है कि संतों का अस्तित्व कैसी होती है। ध्यान चार ओर से अयोध्या को सजाया जा रहा है, किस प्रकार से 14 वर्ष वनवास के बाद भगवान श्री राम आए थे तो अयोध्या वासियों में कितना उल्लास था, कितनी प्रसन्नता थी, उसका व्यक्त शब्दों में नहीं किया जा सकता। अयोध्या वालों ने पूरे विश्व को दिखा दिया, आज उसी प्रकार से अयोध्या को सजाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राम भक्तों और देश भर के साधु संतों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। इस बीच समारोह से जुड़ी तमाम रोचक जानकारियां भी सामने आ रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर के 5 लाख मंदिरों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 5 नवंबर को देश के 45 प्रांतों से अयोध्या आ रहे कार्यकर्ताओं को पूजित अक्षत समर्पित किए जाएंगे। ये कार्यकर्ता इस अक्षत को अपने साथ ले जाएंगे और देश के सभी शहरों और गांव तक पहुंचाएंगे। 5 नवंबर को करीब 200 कार्यकर्ता अक्षत से भरे कलश लेकर देश के हर राज्य में पहुंचेंगे और न्यास की तरफ से ये अक्षत एक तरह से निमंत्रण का प्रतीक है। ये बताया जा रहा है कि 45 दिन तक ये अक्षत तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो 200 मंदिरों तक पहुंचाएंगे और 1 तारीख से 15 जनवरी तक ये जो कार्यकर्ता हैं इन अक्षत को लेकर हर गली, हर मोहल्ले, हर बस्ती, हर गांव तक पहुंचेंगे और न्यास की तरफ से ये आम लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का एक औपचारिक निमंत्रण होगा। 22 जनवरी के दिन जब अयोध्या में भव्य कार्यक्रम होगा, प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा होगा, तब ये सभी 200 कार्यकर्ता अपने शहर, गांव, मोहल्लों के मंदिरों में मौजूद रहेंगे। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। इस दौरान वहां हजारों भक्तों की मौजूदगी होगी, भजन कीर्तन कार्यक्रम चलेंगे, करोड़ों लोग राम की भक्ति में लीन नजर आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिनों तक मंडल पूजन और मंडलाभिषेकम भी चलेगा, जो कि 7 मार्च यानी कि शिवरात्रि तक चलेगा और इस कार्यक्रम में विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय भी शिरकत कर सकते हैं यजमान के तौर पर। और हर कार्यक्रम अयोध्या में इस तरह से संपन्न कराया जा रहा है मानो वो सदी का पहला और आखिरी कार्यक्रम हो। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर भी भव्य तैयारियां चल रही हैं। 11 नवंबर को दीपोत्सव में इस बार 24 लाख दियों का विश्व रिकॉर्ड तो बनेगा ही, साथ ही त्रेता युग की अयोध्या की झलक भी पूरी दुनिया देखेगी। इस बार दीपोत्सव में प्रभु श्री राम के जीवन की झलकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। रामचरितमानस के 7 कांड की प्रस्तुति के जरिए राम के जीवन के आदर्शों को झांकियों में पेश किया जाएगा। राम के जन्म काल से लेकर राज्याभिषेक तक के प्रसंगों को झांकियों के जरिए दिखाया जाएगा। 11 वाहनों में ये झांकियां और शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। इन वाहनों में कलाकार राम कथा के साथ झांकियां पेश करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा और दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर अयोध्या वासियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तैयारियों को लेकर डीएम नीतीश कुमार ने अयोध्या के साधु संतों के साथ बैठक की और उनसे सुझाव भी लिए हैं।
क्या तैयारियां खास तौर पर की गई हैं अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या की जनता तो उत्साहित है, प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। बिल्कुल, हम लोगों ने व्यापक तैयारियां की है। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन की अलग से और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बैठक हो चुकी है, और इसके तारतम्यता में हम लोगों ने जनप्रतिनिधि के साथ भी बैठक की है, व्यापारी और उद्योग बंधुओं की बैठक की है, और उसके क्रम में आज हम लोगों ने पूजनीय संतगण और जनप्रतिनिधि हमारे इकट्ठा हुए थे। हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर विचार विमर्श किया, हम लोगों ने कैसे अपने दीपोत्सव कार्यक्रम को बहुत बेहतर और बहुत ग्रैंड उत्सव बनाया जाए और ये लोक पर्व हो और लोकोत्सव हो, इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस बार दीपोत्सव पर भव्य लाइटिंग और साउंड शो का आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लाइट एंड साउंड शो के लिए 200 फीट की स्क्रीन राम की पैड़ी पर लगाई जा रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन बताई जा रही है। इसमें राम के जीवन के प्रसंगों को बेहतरीन तकनीक के जरिए लोगों के सामने पेश किया जाएगा। ये तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी स्क्रीन लगने जा रही है। और ये जो स्क्रीन है, ये आप वहां देखेंगे, दो बड़ी बड़ी मशीनें क्रेन सर्विस वहां पर लगी हुई है, और वो जो पिलर आप देख रहे हैं, इस पिलर की जो ऊंचाई है वो 60 फीट बताई गई है। 60 फीट लंबा ये पिलर होगा। अब 60 फीट तो ऊंचाई है, लेकिन अब आप कहेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, यानी ये कहां तक, कितनी दूर तक आपको दिखाई देगी, तो ये देखिए 225 फीट लंबी ये विश्व की सबसे बड़ी स्क्रीन अयोध्या में लगने वाली है, राम की पैड़ी पर लगने वाली है। और इस वक्त आप सोचिए कि इतनी बड़ी स्क्रीन आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, भारत की तो आप ही बातें छोड़ दीजिए। अब इसमें भी खास क्या है वो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 225 फीट लंबी जो ये स्क्रीन यहां पर लग रही है, 60 फीट ऊपर तक यहां पर पर्दा जाएगा और ऊपर के 20 फीट तक वो पर्दा रहेगा। जो ऊंचाई आप देख रहे हैं वहां के 20 फीट तक ये पर्दा रहेगा, और उसके बाद ये जो आप दीवारें देख रहे हैं, जो मंदिर की तरह की दीवारें हैं, ये 25 से 30 फीट करीबन खाली छोड़ दिया जाएगा। 25-30 फीट यहां पर कहा जा रहा है, इसको यहां पर खाली छोड़ दिया जाएगा और ऊपर एक पर्दा लगेगा। जब शाम को सरयू मैया की आरती होगी और आरती होने के बाद जब यहां पर लोगों की अथाह भीड़ होगी, जो ये कहा जा रहा है हजारों ही नहीं लाखों की तादाद में जब लोग यहां पर पहुंचेंगे, तो इसी जगह से बैठकर वो यहां पर रामकथा हो या फिर अयोध्या की इतिहास से जुड़ी कई कथाएं हो, राम जी से जुड़ी कई कथाएं हो, वो यहां पर वो देख भी सकते हैं। और जब एक घंटे का ये प्रदर्शन हो जाएगा तो यहां से वो स्क्रीन पूरी तरह वहां बिल्कुल एंड हो जाएगा। दीपोत्सव के दिन रूस, श्रीलंका, सिंगापुर और नेपाल से आए कलाकार रामलीलाएं पेश करेंगे।